मैं हूँ श्रुति, स्वागत करती हूँ आपका नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल में। सभी देवताओं में भगवान विष्णु ने कई मनमोहक अवतार लिए। भगवान विष्णु जहाँ रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीला से मर्यादा का संदेश दिए, तो वहीं महाभारत में अपने नटखट लीलाओं से सबका मन मोह लिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भगवान विष्णु ने जगत के उद्धार के लिए नाना प्रकार के मनुष्य अवतार लिए। यूँ तो हम रामायण और महाभारत इन दो प्रमुख ग्रंथों के विषय में पढ़ते और सुनते आए हैं, आज हम आपके सामने हिंदू पौराणिक इतिहास से जुड़े बहुत सी रहस्यमयी बातें बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। भगवान विष्णु ने स्वयं शिव की संतान को जन्म दिया था। जी हाँ, ये सुनकर थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। चलिए आपको बताते हैं इससे जुड़ी पूरी कहानी। भगवान राम और श्री कृष्ण विष्णु के दो प्रमुख अवतारों के जीवन पर रामायण और महाभारत की कहानी लिखी गई है। रामायण में श्री राम ने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम रूप से मर्यादा का संदेश दिया, तो वहीं श्री कृष्ण ने अपनी नटखट लीलाओं से सबका मन मोह लिया। रामायण और महाभारत से जुड़े कई रहस्य हैं। बहुत से लोग इस बात को जानते हैं कि वनवास के दौरान भाई और भाभी की सेवा करने के लिए लक्ष्मण पूरे 14 साल तक नहीं सोए थे। उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला दिन रात सोती रही। इसके पीछे वजह यह रही कि पहली तो लक्ष्मण अपने भाई की दिन रात सेवा करना चाहते थे, जो कि हम बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन लक्ष्मण जी अपने भाई राम की सहायता के लिए 14 वर्षों तक सोए नहीं थे। दरअसल रावण के बेटे मेघनाथ को यह वरदान प्राप्त था कि जो इंसान 14 वर्षों तक ना सोया हो, केवल वही उसे हरा सकता है, और इसी वजह से लक्ष्मण सोए नहीं। इसलिए लक्ष्मण मेघनाथ को मोक्ष दिलाने में सफल रहे। राजस्थानी लोक कथाओं के अंतर्गत रामायण में उर्मिला के किरदार का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि रावण का वध लक्ष्मण ने किया था। दरअसल राजस्थानी इलाकों में चर्चित कथाओं के अनुसार रावण की आत्मा सूर्य देव के रथ के एक घोड़े की नाक में थी, और केवल वही व्यक्ति रावण की आत्मा को वहां से निकाल सकता था जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। इसलिए लक्ष्मण ने यह काम किया और तब जाकर राम ने रावण का वध किया। मान्यता है कि विष्णु ने स्वयं शिव की संतान को जन्म दिया था। महिषासुर नामक एक राक्षस था जिसको ये वरदान था कि उसका अंत केवल शिव और विष्णु के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। महिषासुर जानता था कि ये नामुमकिन है, इसलिए वह धरती पर तबाही मचाता रहा। लेकिन यह एक परम सत्य है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए जब सागर मंथन के दौरान जब विष्णु जी ने देवताओं को अमृत दिलाने और दानवों से अमृत छीनने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था, तो मोहिनी रूप में वो इतने आकर्षक लग रहे थे कि भगवान शिव भी उनके रूप पर मंत्रमुग्ध हो गए, और अंततः मोहिनी और शिव का मिलन हुआ। उनकी संतान अयप्पा ने महिषासुर का अंत किया। अयप्पा में विष्णु और शिव दोनों के ही गुण हैं। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के अनुसार यह संख्या मात्र 33 ही है। इस तरह विष्णु ने कई अवतार लेकर जगत का उद्धार किया। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, तब तब भक्तों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिए। तो ये थी भगवान विष्णु की लीलाएं। आगे नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।